वन बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट जिसकी ग्रोथ को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, तो वो है निकी तंबोली। उसका बहुत बड़ा रीजन भी है। क्या है रीजन, चलिए बताती हूँ उस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। निकी तंबोली हैज डेफिनेटली ग्रोन एज अ पर्सन। शी इज डूइंग सो गुड इन द प्रोफेशनल स्फेयर, जहाँ पर जो है लगातार म्यूजिक वीडियोज बॉलीवुड से जो उनको ऑफर्स आ रहे हैं वो एक्सेप्ट करना, या फिर कोविड से जंग लड़ना, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। अब वो एक मैगजीन कवर में भी नजर आ रही हैं, तो लग रही हैं बिल्कुल ही डीवा, और साथ ही बता रही हैं किस तरीके से कोविड में जो जिंदगी है वो हेल्थ से भी बदतर हो जाती है, इसलिए सभी को सेफ रहना चाहिए। दरअसल निकी तंबोली ने आज ही सुबह जो है एक मैगजीन शूट से अपना कवर पेज रिलीज किया है, रिवील किया है हम सभी के सामने, एंड शी इज लुकिंग रैविशिंग इन दिस कवर। बता दें आपको कि निकी तंबोली इसमें न्यूड कलर की एक ड्रेस पहनी हुई है, एंड शी इज लुकिंग सो सुअव, सो नाइस, सो प्रिटी। वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है इस मैगजीन कवर में, और ये शायद उनका एक प्रोमिनेंट मैगजीन कवर होगा बिग बॉस 14 के बाद, जिसमें वो इस तरीके से फीचर हुई हैं। इसके साथ ही कई सारे म्यूजिक वीडियोस भी उनके लाइंड अप हैं, टोनी कक्कड़ के साथ हो गया, या फिर और भी पंजाबी कलाकारों के साथ उनका म्यूजिक वीडियो हो गया, या उनका बॉलीवुड प्रोजेक्ट हो गया जो लाइंड अप है अगेन। इसके अलावा खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आने वाली है निकी तंबोली, लेकिन वो एक चीज इनके सफर में जो ऐड हो गया है वो उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की जर्नी। उसके बारे में निकी तंबोली बोल रही है, जब वो कोविड पॉजिटिव थी तो उनके लिए एकदम एक हेल जैसा क्रिएट हो गया था। एक तो सबसे अलग रहो, सारा काम खुद करो, खुद की देखभाल करो, जब बीमार है तो किसी का आपको सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा कि कोई आपको पास में बैठ के चुप कराए, या फिर यू नो कंसोल करे, या फिर आपका ध्यान रखे। सो कोविड के साथ जर्नी इज अ हेल्थ जर्नी, और इसलिए वो सबको रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आप सभी सेफ रहिए, घरों में रहिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को सेफ रखिए, बिकॉज दिस इज रियली अ हेल्थ जर्नी। क्या कहना चाहेंगे निकी तंबोली के इस सफर के बारे में, प्लस उनके इस नए मैगजीन कवर के बारे में? जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, प्लस हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि और भी खबरें हैं इसी तरीके से लगातार आप तक पहुंचाएंगे।